नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं आज आप लोगों को, आप जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को म्यूजिक ग्राम चैनल और राजेश कुमार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो दोस्तों आप लोग दीपावली मनाते रहें और चलिए अभी चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ। दोस्तों मैं हमेशा नई नई चीज बताने की कोशिश करता रहता हूं और आज दोस्तों मैंने एक सोचा कि कुछ अलग मैंने विचार कर बनाया और देखा कि ये ऐसा होता है, तो वही चीज दोस्तों मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, गाना तो होता ही रहता है, गाना तो निकालना है, सभी को निकालना है और उसी के पीछे हम लोग लगे भी रहते हैं। स्वर, ज्ञान, ताल, सब कुछ हम लोगों को करना है, लेकिन गाना निकालने के लिए स्वर ज्ञान। लेकिन आज मैं दोस्तों बात जो कर रहा हूं वो थाट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? थाट की। देखिए गाना जो निकलता है दोस्तों वो ज्यादातर किन थाटों के स्वर को लेकर बनाया जाता है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। तो अगर वो थाट आपको याद रहेगी कि उस थाट का स्वर आपको याद रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले आप उसी स्वर से ढूंढिएगा। जैसे सी शार्प से मैं पहली काले से मैं बताऊंगा उस चीज को कि किस थाट का कौन कौन सा स्वर है, वो मेन तीन ही थाट में बताऊंगा जिसमें 90% गाने, 90% गाने उसी थाट से ही बनते हैं, उसी थाट से ही, उसी थाटों के स्वर से बनाए जाते हैं और निकलते हैं। तो आज मैं उन्हीं तीन थाटों को बताऊंगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लें कि वो कैसे उसका। और मैं ये भी बता दूंगा उसमें दोस्तों कि इन तीन थाटों में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है। पहले वो मैं तीन थाट बता देता हूं और फिर उसके बाद उन तीन थाटों में सबसे ज्यादा गाना किस थाट में होता है, किस थाट के स्वर में होता है वो मैं बताऊंगा। और फिर दूसरे नंबर में उससे ज्यादा, उससे कम और फिर उससे कम, तीन। तो तीन मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आप ये तो जानते होंगे बिलावल थाट। बिलावल थाट के स्वर क्या होते हैं उसको आपको जानना है। बिलावल थाट के स्वर क्या होते हैं तो मैं सी शार्प पहली काली से उन स्वरों को बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप जानते हैं, ये मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं बताता हूं क्योंकि इसी के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? बिलावल थाट में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। मैं वो अभी कर दिखाता हूं। देखिए पहली काली से सबसे पहले क्या है, ये सा शुद्ध, रे शुद्ध, ग म शुद्ध, म प उसके बाद शुद्ध, ध उसके बाद कोमल, नी उसके बाद सा, यानी ये हो गया। क्या हो गया दोस्तों? शुद्ध स्वर यानी बिलावल थाट। सारे गम पध निशा जो नॉर्मल आ बजाते हैं वो थाट बिलावल में होता है, ठीक है। अब दूसरा ये दोस्तों थाट काफी, थाट काफी। तो काफी थाट कैसे होगा दोस्तों? ये जो आपने शुद्ध स्वर बजाया
उसमें ग और नी को सिर्फ कोमल कर दीजिए, बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध होते हैं, और काफी में तो जो शुद्ध स्वर है बिलावल थाट में, उसमें ग और नी को, ये ग और नी को कोमल बना देंगे और बाकी सब शुद्ध रखेंगे तो वो थाट काफी हो जाएगा। तो देखिए, ये बिलावल सा रे ग म प ध नी सा, थाट काफी करने के लिए ग और नी को कोमल कर दीजिए और बाकी सब जैसे था वैसे ही छोड़ दीजिए। देखिए, सा शुद्ध रे, ग को कोमल बना देना है, ठीक है, सा शुद्ध रे ग को कोमल बना देना है, म शुद्ध, प शुद्ध, ध शुद्ध, नी को कोमल बना देना है, क्या करना है, नी को कोमल बना देना है, और सा जैसे था वैसे ही रहेगा, यानी क्या हो गया, कोमल ग म प ध कोमल नी सा। अब इसकी आवाज सुनिए, ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद मैंने तीन कहा था ना, तो एक शुद्ध हो गया पहला, दूसरा हो गया काफी, और तीसरा हो गया आसावरी। तो आसावरी बनाने के लिए क्या करेंगे, थाट आसावरी के स्वर क्या हो जाएंगे, तो जैसे काफी में ग और नी था वो वैसा ही रह जाएगा, सिर्फ ध को भी कोमल बना देंगे, यानी ग ध और नी तीनों कोमल हो जाएगा, तो थाट आसावरी के स्वर वो बन जाते हैं। तो देखिए, सा शुद्ध रे कोमल ग, शुद्ध म प कोमल ध कोमल नी सा, ये थाट आसावरी हो गए। देखिए, तो अभी क्या हुआ, तीन थाट हमने बताया, तीन थाट हमने बताया, पहला बिलावल थाट जिसमें सारे स्वर शुद्ध होंगे, दूसरा काफी थाट उसमें सारे स्वर जो शुद्ध थे उसमें ग और नी को कोमल बना देंगे तो वो काफी थाट हो जाएगा, और तीसरा आसावरी थाट जिसमें ग नी के साथ साथ ध यानी ग ध नी ये तीनों कोमल बनाएंगे तो ये आसावरी थाट हो जाएगा दोस्तों। और इन थाटों को के स्वर को आप समझ लेते हैं अच्छी तरह तो गाना निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप गाना निकालने बैठे तो इन्हीं थाटों का प्रयोग करें, प्रयोग मीन्स कि इन्हीं थाटों के स्वर को ज्यादा ढूंढें तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इन तीनों में क्या है कि सबसे ज्यादा यूज किस थाट का होता है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा गाना जो होता है, सबसे ज्यादा गाना वो थाट आसावरी में होता है जिसमें ग ध नी कोमल स्वर लगते हैं। किसमें होता है दोस्तों, थाट आसावरी में सबसे ज्यादा गाना बनाया जाता है, जिसमें लोग कहते हैं कि ये गाना माइनर में है, क्योंकि देखिए अगर सा शुद्ध रे कोमल ग म प या है ना, तो ग ध नी कोमल, ग ध नी कोमल, ये आसावरी थाट हुआ, और सबसे ज्यादा गाना इसी में रहता है, और आप सबसे पहले इसी में ढूंढे, और तब बारी आती, सबसे पहला ये हो गया, दूसरा काफी की आती है,
काफी ठाट की, आसावरी के बाद, आसावरी के बाद सबसे अगर ज्यादा गाना मिलता है तो वो ठाट काफी में मिलता है, तो उसमें ग और नी कोमल होता है, ग और नी कोमल होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर गाना ढूंढ रहे हैं इस तरह से, मान लिया आसावरी में ढूंढ रहे हैं, आसावरी में अगर क्या हुआ कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ध नहीं लगकर ये ध ढूंढेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बारी आती है बिलावल थाट की, तो उसके बाद सबसे पहले सबसे ज्यादा गाना थाट आसावरी में, उससे कम थाट आसावरी से कम, फिर काफी, और फिर उसके बाद बिलावल। यानी नंबर वन में आसावरी के स्वर से ढूंढेंगे सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद नंबर टू काफी के स्वर में ढूंढेंगे, और नंबर तीन बिलावल के स्वरों में गाना ढूंढेंगे। जैसे देखिए, जैसे ये गाना बजाते हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये सा अगर हम लोगों ने माना तो सा शुद्ध रे कोमल ग प ध, सा शुद्ध रे कोमल ग म प, और उसके बाद कोमल ध और ये नी आ जाएगा, यहां देखिए ग लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सावरी में है, ठीक है। तो इस तरह से आप गाने को ढूंढिए, स्वरों को ढूंढिए, लेकिन दोस्तों एक गाना पकड़ लीजिए तो उसको छोड़िए नहीं, इन तीन थाटों का प्रयोग कीजिए, इन तीन थाटों के स्वरों का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहले आसावरी में ही ढूंढना है, यानी जिसको सा मानेंगे वहां से ग ध नी कोमल, फिर उससे कम काफी में, यानी जहां से सा बनेगा वहां से ग और नी कोमल, और फिर बिलावल में जिसमें कि सारे स्वर शुद्ध होंगे, बस आपका गाने में गाना निकलना शुरू हो जाएगा यदि आप स्वर को पहचानने लगते हैं तो। तो दोस्तों इस तरह से सबसे पहले आप प्रैक्टिस में थाटों को अपने अंडर में कीजिए, अंडर इन द सेंस कि उसको समझिए, उसकी उसको बजाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए उसकी, ताकि वो माइंड में सेट हो जाए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि आसावरी में कौन से स्वर थे, काफी में कौन से स्वर थे और बिलावल में कौन से स्वर थे। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही आपके सेंस में पूरी तरह से आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और हमने बिल्कुल क्लियर क्लियर कर बता दिया है, बिल्कुल साफ सा। कि कैसे कैसे स्वर को बदल कर आप थाट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इन तीन थाटों की स्वरों की प्रैक्टिस करें और देखिए गाना मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी मिलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि ये जो है तीनों थाट, इसका नोटेशन, इसके स्वर आपको वीडियो के बीच में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से देखकर नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ दीपावली, आप लोगों को ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार।